असल स्टूडेंट्स होफुल यू एल आर फाइन एंड डूइंग गुड आज पंजाब टेक्स्ट बुक नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर सेवन इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के एक्सरसाइज एम सी क्यू से हम करेंगे कवर अच्छा इसके लिए आप पेज नंबर वन थर्टी फाइव पे आ जाएँ स्टार्टिंग फ्राम द नंबर वन स्पॉटेस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कौन से टाइप ऑफ सेल में होता है इसमें आपके पास फोर एग्जाम्पल्स हैं सो जहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो है गलवेनिक सेल अच्छा यहाँ पर करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर गलवैनिक सेल है गलवैनिक सेल में स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है और एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिकसिटी जनरेट होती है ठीक है बाकी जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ये इसमें नॉन स्पॉटेनियस केमिकल रिएक्शन होता है जिसको कैरी uh, आउट करवाने के लिए हमें इलेक्ट्रिकिटी या एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है ठीक है स्पॉन्टेनियस वो होता है जो खुद ब खुद हो जाए वो रिएक्शन नॉन स्पॉटेनियस होता है जिसको कैरी आउट करवाने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है सो so, इलेक्ट्रोलिटिक में नॉन स्पॉन्टेनियस होता है और ये जो बाकी जो दो एग्जाम्पल्स गिवन है ये दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सेल की ही एग्जाम्पल हैं एल्सन सेल और डाउन सेल दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसमें नॉन स्पॉन्टीनियस रिएक्शन होता है सो द करेक्ट आंसर इज बी नंबर टू है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज रिडॉक्स रिएक्शन वाटर की जो फॉर्मेशन होती है ये जो रिएक्शन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होता है इसमें रिडक्शन का प्रोसेस भी हो रहा होता है और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी हो रहा होता है नंबर थ्री है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इसमें कौन सा इलेक्ट्रोलिटिक सेल नहीं है सो so, जैसे कि आपको फर्स्ट वाले में हमने बताया ग्लवानिक सेल गलवैनिक सेल यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल नहीं है बाकी डाउन और नेल्सन जो है ये दोनों ही इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते हैं सो करेक्ट ऑप्शन पे वो है बी नंबर फोर है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन पोटाशियम क्रोमेट के टू सी आर टू ओ सेवन में से आपने सी आर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो ये आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर जो मैंने करवाए थे लॉन्ग क्वेश्चन उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया है ऑक्सीडिजन स्टेट कैसे निकालते हैं यहाँ पे मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छा इसके लिए सबसे पहले तो आपने जो फार्मूला है उसमें आपने इस तरह से तरतीब से लिखना है सिक्वेंस में कि कितने एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे दो पोटाशियम टू के प्लस टू क्रोमियम प्लस सेवन ऑक्सीजन है इन सब को आपने इक्वल करना है जीरो के नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है सी आर की तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकालनी है तो इसको आप एज इट इज़ लिख देंगे बाकी जो है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपने पुट करनी है सिंबल जो यहाँ पे है उसकी जगह आपने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है कि ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है ग्रुप वन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन होता है तो इसकी जगह प्लस वन लिख देंगे टू को आपने उतार देना है ये एज इट इज आ जाएगा सेवन फिर ऑक्सीजन की माइनस टू होती है जहाँ पर भी ऑक्सीजन होगा माइनस टू आपने लिखना है तो so, यहाँ पे माइनस टू लगा देंगे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा यहाँ पे टू वन सा टू प्लस माइनस साइन जो भी होगा वो आपने लास्ट में पुट करना है इसको एज इट इज़ उतार देंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस सेवन टू ऑफ फोरटीन इक्वल टू ज़ीरो अब यहाँ पे प्लस टू और माइनस फोर्टीन है इन दोनों को आप यहाँ तो सॉल्व भी कर सकते हैं या तो पहले दूसरी साइड पे ले जाके इसको सॉल्व कर लें सो माइनस फोर्टीन दूसरी साइड पे जाके प्लस फोर्टी में चेंज हो जाएगा प्लस टू जो है ये माइनस टू हो जाएगा यहाँ पे आपके पास टू क्रोमियम रह जाएगा अब यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे प्लस माइनस माइनस होता है तो फोर्टीन में 2 आ, से टू आपने सेप्ट्रैक्ट करने या आ जाएगा ट्वेल्व बड़ी वैल्यू दोनों में से ये है फोर्टीन फोर्टीन के साथ जो भी साइन होता है जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होता है वो आपने पुट करना होता है सो तो प्लस साइन तो आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर देखें टू क्रोमियम का जो सिंबल है इसके बीच में कोई साइन नहीं है इसका मतलब ये है कि ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन अगर इस साइड पे हो रही है इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये टू डिवाइड हो जाएगा ट्वेल्व के साथ आंसर और प्लस साइन इसके साथ आपने डाल लेना तो यहाँ से क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी प्लस सिक्स सो करेक्ट आंसर जो है वो है बी नेक्स्ट है नंबर फाइव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसमें से कंडक्शन पॉसिबल हो सो शुगर सोल्यूशन में जो है ये कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को बाकी दोनों करते हैं तो इसमें आपके पास शुगर सोल्यूशन जो है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए नेक्स्ट आपके पास है द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन कोरोजन के सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो आप देखते हैं वो क्या है रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन किसको कहते हैं जंग को कहते हैं है. और जंग सबसे ज़्यादा को किस पे नज़र आता है वो होता है आयरन लोहा लोहे को ज़्यादा जंग लगता है तो रेस्टिंग ऑफ आयरन करेक्ट ऑप्शन है नंबर सेवन है नेल्सन सेल इज़ यूज टू प्रिपेयर कॉस्टिक सोडा अलॉन्ग विद गैसेस नेल्सन सेल को इस्तेमाल किया जाता है कॉस्टिक सोडा बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए अलॉन्ग विद गैसेस और साथ ही और भी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं विच ऑफ द फॉल्विंग गैसेज़ प्रोड्यूस्ड एट कैथोड इसमें से आपने बताना है जो साइड गैसेस प्रोड्यूस होती हैं उनमें से कैथोड पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है तो ये आपके पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है नेल्सन सेल डिटेल में आपकी बुक में टॉपिक गिवन है उसमें से भी आप जाके देख सकते हैं क्या थोड़े पे हाइड्रोजन गैस होती है इसी तरह से एनोड पे भी गैस रिलीज होती है और साथ में मेन जो प्रोडक्ट होता है वो है कॉस्टिक सोडा तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी नंबर एट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर वाटर की जो फॉर्मेशन होती है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज से इस दौरान कौन सा प्रोसेस नहीं होता इनमें से चार ऑप्शन में से आप बताना है हाइड्रोजन हैज़ ऑक्सीडाइड तो ये होता है हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होता है उसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है सो तो ये बी करेक्ट है इसमें ये प्रोसेस होता है आपने वो सेलेक्ट करना है जो कि नहीं होता ठीक है ऑक्सीजन हैज रिड्यूस्ड यस ये भी होता है ऑक्सीजन गेंस इलेक्ट्रॉन यस ये भी होता है ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है क्योंकि ओ टू जो ऑक्सीजन है आ, उसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं तभी उस पर माइनस टू चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन गेन भी होता है इसमें ठीक है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन कहते हैं और ये वाला जो प्रोसेस है ये नहीं होता इसमें कि हाइड्रोजन बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये प्रोसेस इसमें नहीं होता सो डी ऑप्शन करेक्ट है नंबर नाइन है द फार्मूला ऑफ रस्ट रस्ट का जो फार्मूला होता है वो क्या है एफ ई टू ओ थ्री डॉट एन एच टू ओ ठीक है ये रस्ट का फार्मूला है आपने टेज याद रखना है ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए भी आप याद कर सकते हैं अगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी आ जाए तो उसके लिए भी इसको फार्मूले का आप याद रख कर आ, रख लें बाकी एम में भी आ सकता है नंबर टेन है इन द रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड एच सी एल द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अच्छा ये जो एम सी क्यूज़ है ये आपकी बुक न, के पेज नंबर वन नाइनटीन पे जो एग्ज़ाम्पल ये गिवन है रिडॉक्स रिएक्शन में ये वाली इसमें से ये आपकी एम सी क्यूज बन के आया हुआ है यहाँ पे दे, रिएक्शन देखे जिंक और एच सी एल का रिएक्शन है इसके रिजल्ट में आपके पास जेड एन सी एल टू और एच टू रिल, गैस रिलीज़ हो रही है इसमें आपने बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है इन दोनों में से तो वो कैसे पता चलेगा उसके लिए आपने सबसे पहले तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखनी होती हैं कैसे लिखेंगे आपने ऑक्सीडा ऑक्सीडेशन स्टेट की जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली जो सिंगल एलिमेंट होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो डालनी है एच सी एल में सी एल का अगर आपको पता है माइनस वन है तो साथ वाले का भी वही नंबर होगा विद द ऑपोजिट साइन तो इसका माइनस वन है तो इसका प्लस वन हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर देखें सी एल टू सी एल टू है एक ऑक्सी क्लोरीन का माइनस वन होता है यहाँ पे दो क्लोरीन है तो यहाँ पे आपका चार्ज क्या, क्या हो जाएगा आप इसको टू को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस वन के साथ ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर इसका माइनस टू और साथ वाले का प्लस टू हो जाएगा हाइड्रोजन गैस की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर ज़ीरो है अब आप यहाँ पे एरो डालने ठीक है यहाँ पर देखें जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है ज़ीरो टू प्लस टू प्लस टू मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर इंक्रीज हो रही है एंड प्लस टू मीन्स के इट हैज लॉस्ट टू इलेक्ट्रॉन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन ठीक है ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरे को रिड्यूस कर रहा है जो खुद ऑक्सीडाइज हो दूसरे को रिड्यूस करे उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे यहाँ पे आप देखें प्लस वन है ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे इसकी जीरो हो गई है मींस के पहले इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था अब इसमें कोई डेफिशिएंसी नहीं इलेक्ट्रॉन की जीरो मींस के इसको अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं तो यहाँ पे इसने क्या किया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं रिडक्शन और वो सब्स्टांट जिसमें रिडक्शन हो वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या आपके पास हाइड्रोजन ठीक तो है तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपके पास क्या आ रही है एच प्लस ठीक है एच सी एल आपने पुरानी लिखना है यहाँ पे आप एच सी एल में से आप बता सकते हैं एच प्लस जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है करेक्ट ऑप्शन बी है